पौड़ी पंसीरी बहुत अच्छी है। बर्थडे के गिफ्ट्स हैं इसके। टाइप के नहीं है। नहीं नहीं मैं मुझे भाई अंदाजा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाहौर में जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस वजह से जो है मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। फजर पढ़ के मैं बैठी हूँ और नींद ही मुझे नहीं आ रही है। तो फजर पढ़ के फिर जो है मैं थोड़ी देर एक दो घंटे सो गई थी। अभी 11 बजे का टाइम है, मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। आज जो है हम लोगों ने बाहर जाना है थोड़ा लंच करने के लिए। मैं और मेरी जो है वो कज़न है और मेरी भाभी भी हैं, मैं और वो जो है लंच करने के लिए आज बाहर जाएंगे बच्चों को घर पर छोड़ के। तो ये अभी हम रेडी होके जो है वो जा रहे हैं। एम आलम पे रेस्टोरेंट है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी उस रेस्टोरेंट को क्योंकि मुझे उसका खाना जो है वो अच्छा नहीं लगा था। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट पे गए थे और पता नहीं इसका क्या नाम था, मुझे नाम नहीं पता है। एम आलम पर है, ये 3 फ्लोर हैं और जो है मिड वाला फ्लोर है, इटालियन फूड था लेकिन मुझे बिल्कुल इसका खाना अच्छा नहीं लगा। एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा था और खाना भी इसका बिल्कुल अच्छा नहीं था। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी लेकिन जब हमें खाना पड़ा, मजबूरी है ज़ाहिर है, इतने पैसे दे रहे हैं तो खाएंगे तो सही, लेकिन जो है फूड इसका बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसमें से ले बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं खा सकती ना, मैं इतना नहीं खा सकती। मेरा शुरू कर ड्रिंक भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, शुगर इतना ज़्यादा डाला हुआ था। फिर मैंने कहा क्या आप लोगों ने पूरे अपने रेस्टोरेंट का शुगर इसके अंदर डाल दिया, इतनी ज़्यादा ये ड्रिंक स्वीट थी। और जो है फिर मैंने वापस करवा के दोबारा सही वाली मंगवाई। तो थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो वहाँ पर पान मिल रहे थे, पान का मूड हो रहा था। तो मैंने कहा पाकिस्तान आई हूँ तो पान तो खाने, कराची में तो फिर हम खा लेते थे, लाहौर में जब मैं कराची जाती थी तब मैं खा लेती थी। अभी ये कि लाहौर में जो है मेरा पान खाने का मूड था तो मैंने पान खाया। फिर हम घर आए तो बच्चों ने जो है बोला कि बाल कटवाने हैं, फिर सुफियान को और जो है इब्राहिम को हम लोग ले गए बाल कटवाने के लिए। तो उनके सुफियान तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता यहाँ पर जो है बारबर शॉप से, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि हमने इनके बाल वाल कटवा के इब्राहिम की आज बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी शाम में। तो फिर हम लोग घर आए, उसी की हमने तैयारी की, मिलके सैंडविचेस बनाए, चाट और चीज़ें वगैरह। रास्ते से हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोगों ने केक वगैरह भी लिया था, बहुत मज़ा आया। ये केक बहुत ज़्यादा तहजीब जो न्यू एम आलम पे नई बेकरी खुली है वहाँ से हम लोगों ने जो है लेमन टॉट केक लिया था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो इब्राहिम की बर्थडे हमने सेलिब्रेट करनी थी तो अब हम वही कर रहे हैं। इब्राहिम को गिफ्ट्स का इतना शौक़ था, बच्चा है ना, तो ये हमारे साथ ही था जब हम गिफ्ट ले रहे थे और ख़ुद बोल रहा था कि मैं जो हूँ गाड़ी में बैठा रहूँगा, मुझे सरप्राइज़ देना, आप लोग अंदर जाएं और मेरे लिए कोई टॉय वगैरह कुछ भी लेना है आप ले लें।
आपने क्यों दिखा दिया था इसको? मैंने तो छुपाया था इससे। चल आ जा सबको कोल्ड ड्रिंक। मैं तो खाऊंगी, मैं थोड़ी छोड़ूंगी। अभी रात के जो हैं 10-11 बज रहे हैं, मुझे हल्की हल्की भूख लगी थी तो अम्मी को मैंने कहा मुझे चाय के साथ चूरी बना के दे। वो चूरी होती है ना, पराठे को ऐसे मैश करते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं और बटर डालते हैं, कुछ लोग असली घी भी डालते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है अम्मी के हाथ का, तो अम्मी ने मुझे बना के दिया। फिर ये अगले दिन की वीडियो है। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम है, शुक्र है धूप निकली हुई है। मैं थोड़ा बाहर आके बैठी, वरना तो धूप दिख ही नहीं रही है। जब से मैं आई हूँ बहुत ही कम मुझे धूप दिख रही है। यहाँ पर होती ही नहीं है कि इंसान थोड़ा सा बाहर आके बैठ जाए, लॉन में बैठ जाए, और जो है स्मॉग आज कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बाहर आके बैठी हूँ अभी थोड़ा सा। ये अभी हम लोग सब जा रहे हैं बच्चों के साथ, जो है बच्चों ने बहुत शोर मचाया कि कल आप लोग गए थे लंच करने के लिए, आज हमें लेकर जाएं। तो ये भी हम लोग बच्चों के साथ चाइनीज़ खाने जा रहे हैं, वो भी एम एम आलम पर ही है, निषाद है ना, निषाद के बिल्कुल साथ चाइनीज़ है, वो हम लोग खाने जा रहे हैं। बच्चे जो है उसका चाइनीज़ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बार पहले भी मैं इनको लेकर गई थी, तो अभी हम लोग सब बच्चों को लेकर जो है वो चाइनीज़ जा रहे हैं। स्वेटर बना रही है छोटे भाई के लिए, उसके बेटे के लिए, बहुत छोटा है, तो प्यारा कलर है इसका। अम्मी ने सबके बच्चों के लिए बनाया है, एक एक स्वेटर दिया है सबके बच्चों को बना के। भाई ऐसे करें, बहुत प्यार लग रहा है। ये जुएना है और इब्राहिम की छोटी बहन है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये जो है वो नमाज पढ़ रही है, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाओ, आज इसने बलूची ड्रेस पहना है और ये नमाज भी पढ़ रही है साथ में। इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी बातें करती है ये माशाल्लाह। और अभी यह है कि रात का टाइम है और हम लोग जो है वो मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरी जो कज़न है, जो मेरी भाभी भी हैं, वो जो है वो स्कूटी चला रही हैं। बच्चों के साथ हम लोग सर्दी में एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत अरसे के बाद साइकिल चला रही थी, बिल्कुल गिरने वाली थी मैं, और जो है एंड में जो है मैंने ऐसा काम किया, मैं ब्रेक ही नहीं लगा रही हूँ और जो पैरों से जो है साइकिल को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल गिरने वाली थी, मेरे पैर ही नहीं पहुँच रहे थे। तो रात को बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत हंसे, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। मैं साइकिलिंग कर रही थी यहाँ पर और बच्चे जो थे हमारे साथ खेल रहे थे, वो देखे मैं रोक ही नहीं पा रही थी। बस से बाबा भाई, मैं प्लीज लाइक करो, ये सही है, इब्राहिम वाली सही है। मम्मा जान बहुत सख्त वाला है, हाजिर नहीं बना नहीं बुरी बात। तो अभी हम लोग आए हैं, मुझे जो है गोल्ड के बैंगल्स लेने थे अपने लिए, तो उसके बाद हम लोग जो हैं गए, कुछ लंच वगैरह हमने करना था वो किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, 3 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ डाला। इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स मैं डालती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।